हमारे तहसील कहरा के एक हफ्ते के अंदर अंदर बिजली कटौती का जो वक्त रहा वो बिल्कुल चिनाब वैली जो है बिजली बना। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है और रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में जहां आवाम की तमाम मुश्किलात को हल करने की पूरी कोशिश एलजी इंतजामिया को करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बरअक्स रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में इफ्तारी और सहरी और तरावी का वक्त जो ही शुरू होता है उससे पहले 5 मिनट लाइट ली जाती है और ये कहा जाता है कि 33 केवी का फॉल्ट है और रात के 12 बजे उस 33 केवी के फॉल्ट को कौन ठीक करता है, ये एक सोचने वाली बात होगी। जहां अच्छे दिन धारा 370 को हटाने के बाद बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे दिन आएंगे, क्या यही वो अच्छे दिन है कि रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में भी हमें लाइट फराहम नहीं की गई, हमें अंधेरे में सहरी और इफ्तारी और तरावी की नमाजें हमें अदा करनी पड़ी। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने रमजान मुबारक के इस पूरे महीने में बहुत ज्यादा सफर किया, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह हमारे लिए और एलजी इंतजामिया के लिए एक बहुत अफसोस की घड़ी है कि उन्होंने इस पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिससे पीडीडी डिपार्टमेंट अपने शेड्यूल को ठीक कर सके और सहरी और इफ्तारी के वक्त हमें बिजली फराहम की जाए। पूरे दिन लाइट होती है लेकिन जो ही सहरी और इफ्तारी और तरावी का वक्त शुरू होता है उस वक्त लाइट का कट होना, इससे ये मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया यहाँ की आवाम की कोई भी परेशानी हल करना नहीं चाह रही है। और हम ये फिर से कहना चाहेंगे कि यहाँ की हुकूमत अगर होती तो उनके गिरीबान को पकड़ के हम अपने मसले हल करवा सकते थे, लेकिन एलजी इंतजामिया आपसे ये गुजारिश की जाती है, आपसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। रमजान मुबारक के 10 दिन अभी बकाया है, उनमें हमें बिजली और शेड्यूल के मुताबिक फराहम की जाए ताकि यहाँ की आवाम को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एक हफ्ते के अंदर अंदर बिजली को ठीक करेंगे तो, लेकिन हमारा सवाल तहसीलदार साहब से यही रहा कि एक हफ्ता जो है हमारा माही साम का महीना जो है ख़त्म हो रहा है, एक हफ्ते के बाद ये मेहमान महीना था ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारा सवाल रहा इनसे कि हमें तीन दिन हमने उनसे टाइम लिया कि 3 दिन तक सर हमें लाइट चाहिए। इसके अलावा मेरी एलजी मनोज सिन्हा साहब से, डीसी साहब से, एसडीएम ठाठरी अत्तर अमीन जरगर साहब से और हमारे तहसीलदार साहब से तो रिक्वेस्ट की हमने कि सर इस माही साम में क्या इतनी हमें क्या परेशानी है कि हमारी सहरी आती है तो लाइट चले जाती है, इफ्तारी आती है तो लाइट चले जाती है, त्रावी आती है तो लाइट चले जाती है, इससे बहुत परेशान हो गए हैं। तो मैं आपके जरिए आपके माध्यम से ये मैसेज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूँगा कि सर हमें 3 दिन तक इस लाइट का मसला हल होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो इसके लिए हमारी आवाम जो इतनी भी है वो रोड पर नीचे उतर कर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। 8-10 अफराद जनाब तहसीलदार साहब के पास दफ्तर में गए और ख़ास करके जो मसला हमारा चल माह रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में जहां तक बिजली का सवाल रहा, बिजली की कटौती का जो वक्त रहा वो बिल्कुल गैर ऐलानिया तौर पे रखा गया। अगर हम माह रमज़ान की बात करें, माह रमज़ान मुसलमानों का एक मुकद्दस त्यौहार है, एक महीने के वक्त के लिए इंतजामिया को चाहिए था कि बिजली की कटौती को कम किया जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिजली की कटौती को कम करने के बजाय पूरे दिन पूरी रात बिजली नहीं रहती है। सहरी और इफ्तारी के वक्त में अगर बिजली उसके इर्द गिर्द के वक्त में होती भी है, लेकिन सहरी और इफ्तारी के वक्त में बिल्कुल ऐन वक्त पर बिजली ली जाती है, जो बिल्कुल काफ़ी दुख भरी खबर यह है कि वक्त पे बिजली काटी जाती है। सहरी के 5 मिनट पहले जो लाइट है वो ली जाती है और इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले जो है जो बिजली की कटौती है वो रहती है। इसमें बड़े सोचने वाली बात यह है कि इंतज़ामिया को इस पर एक रद्द अमल लेना चाहिए था कि बिजली की कटौती को जो है कम करने के बजाय कम से कम सहरी और इफ्तारी के वक्त में आवाम को बिजली फराहम की जाए जिससे राहत की सांस ली जा सकती है। जिस तरह आप जानते हैं कि चिनाब वैली जो है बिजली बनाने में जो है काफ़ी जो है माना जाता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि चिनाब वैली के जो 3 जिला हैं, जिला डोडा, जिला किश्तवाड़ और रामबन के इलाके जो हैं वो बिजली से जो है महरूम रहते हैं। अगर हम बात करें रमज़ान के महीने के अंदर जो है यहाँ पर जो कटौती दी जाती है, बिजली ली जाती है, वो जो है बिल्कुल सरासर नाइंसाफी यहाँ के लोगों के साथ है। हम यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि कम से कम इफ्तारी के वक्त जब शाम को इफ्तारी का वक्त होता है, शहरी का वक्त होता है, तो उसी वक्त जो बिजली का निज़ाम जो है आरम्भ हो जाता है और उसी वक्त जो बिजली काट की जाती है। इसलिए यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से